अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो हलवा। ये हलवा बनाना बहुत आसान है, बहुत झटपट और जल्दी बनता है। इसे आप इस सीजन ज़रूर ट्राई करके देखें मेरे स्टाइल में मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1/4 कप बेसन, 1/4 कप मैदा और 1/4 कप ये सेमोलिना है, इसे हम रवा या सूजी भी कहते हैं। मैंने इसी कप से तीनों चीज़ का मेज़र किया है, मैदे और बेसन रवा तीनों चीज़ का मेज़र किया। अगर आपके पास इस तरह के मेज़रिंग कप ना हो तो आप जो सब्ज़ी निकालते हैं ना बड़े स्पून से, इस तरह के जो स्पून होते हैं, आप इसी तरह के स्पून से तीन तीन स्पून ले लें, और ना तो छोटी कटोरी से ले लें बराबर। यहाँ पर मैंने घी ली है, 1/2 कप है। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैंने घी को डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी बेसन, मैदा और रवा, तीनों को डाल करके मीडियम फ्लेम में इसे लगातार मैं चला चला करके भून लूँगी। तो मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है और इसे लगातार इस तरह से हिला हिला करके चलाते जा रही हूँ। हाई फ्लेम ना करें वरना जो आप डाले हैं बेसन, मैदा और सूजी वो नीचे से जलने लगेगा। तो मैं इस तरह से हिला हिला कर लगातार मैंने 3 मिनट हिलाया है। तो देखिए इस तरह की ये हो गए हैं। तो मैं 2 मिनट और चलाऊंगी, बहुत अच्छी से खुशबू आने लगी है। मैंने 3 बार 1 टीस्पून पानी डाला है, डालकर उसे भुना। फिर मैंने छोटी इलायची का पाउडर डाला 1 टीस्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैंगो पल्प। ये मेरे पास 3 मैंगो का पल्प है। मैंने 3 मैंगो को छील लिया, उसे अच्छे से कट करके और ग्राइंड कर लिया है, उसे मैंने डाल दिया। अब मैं इसे भी लगातार चलाऊंगी, इस तरह से भूनते जाना है लगातार। अच्छे से जब ये भून जाएगा तब इसमें से घी अलग हो जाता है। तो घी हम इसमें थोड़ा ज़्यादा देते हैं क्योंकि ये मैंगो जो है वो चिपकता है, तो घी डालने से वो चिपकेगा नहीं, बाद में आप उसे निकाल सकते हैं। मैं इसमें 1/2 कप शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर के मेल्ट होने तक इसे मैं चलाऊंगी। घी को आप हटा करके रख सकते हैं और जब अगली बार आप जब हलवा बनाएंगे तो इसे यूज़ कर लेंगे। तो आप इसी तरह से इसे चलाते जाएं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और घी भी अलग हो गया। मैंने इसमें काजू और बादाम डाले हैं, आप अपने पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसे चला देती हूँ। तो ये अब रेडी हो चुका है। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस अब मैं फ्लेम को बंद करती हूँ और सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर सर्व कर दिया है। मैंने ऊपर से काजू और बादाम से गार्निश किया है। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बना है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं आप सबके लिए और भी अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपी लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।